हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अब देखते हैं हम कि यहाँ टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल की नीड क्यों हुई। इसके पहले हमने इसके लास्ट वीडियो में देखा था, दो प्रोटोकॉल पढ़े थे हमने, एक तो सेड लॉक और एक एक्सक्लूसिव लॉक। ठीक है, दोनों लॉक क्या करते थे, इन दोनों इस लॉक के क्या डिसएडवांटेज थे कि टू फेज लॉकिंग की ज़रूरत पड़ी। इस लॉक में क्या था, इसके सेल लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक के एक डिसएडवांटेज था कि ये डज नॉट गारंटी सीरीज लाइबिलिटी। ठीक है, इसकी सीरीज लाइबिलिटी की कोई गारंटी नहीं थी इसमें। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल आया। तो ये टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, इसको अपन जनरली विच इज ऑल्सो नाउन एज ए टू पी एल के नाम से भी जाना जाता है, टू पी एल टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल शॉर्ट फॉर्म। ये गारंटी देता है सीरीज लाइबिलिटी, टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल ये गारंटी उसमें नहीं थी सेड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक में। दैट वी मस्ट फॉलो सम एडिशनल प्रोटोकॉल कंसर्निंग द पोजिशनिंग ऑफ लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑपरेशन इन एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसमें ये कंडीशंस होती है एडिशनल। This is where the concept of two-phase locking, 2PL, come in picture. 2PL ensure serializability. ये serializability को इंश्योर करता है। ये डिसएडवांटेज थे उसके, तो वो इसमें दूर हो गए। In this type of locking protocol, the transaction should acquire a lock after it release one of its lock. ठीक है, इसमें क्या करता है, एक ट्रांजेक्शन एक्वायर करता है ए लॉक और आफ्टर इट रिलीज वन ऑफ इट्स लॉक को रिलीज कर देता है। अब हम देखते हैं टू फेज, इसको टू फेज क्यों कहते हैं। ठीक है, टू फेज क्योंकि ये दो फेज में वर्क करता है। ठीक है, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, ए ट्रांजेक्शन इज सेड टू फॉलो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल इफ लुकिंग लॉकिंग इफ लॉकिंग एंड अनलॉकिंग कैन बी डन इन टू फेज। इसलिए हम इसको टू फेज प्रोटोकॉल कहते हैं, क्योंकि एक फेज में तो लॉकिंग होती है और दूसरे फेज में अनलॉकिंग होती है। अब दो फेज कौन से होते हैं, वो एक तो फर्स्ट होता है ग्रोविंग फेज और सेकेंड होता है श्रिंकिंग फेज। अब ग्रोविंग फेज का क्या काम है, इसमें अपन ने देखा कि हाँ दो प्रकार से वर्क करता है दो फेज में, एक तो लॉक करने का एक अनलॉक करने का। ग्रोविंग फेज क्या करता है, एक ट्रांजेक्शन ऑप्टेन लॉक, एक ट्रांजेक्शन क्या करता है लॉक ऑप्टेन करेगा बट मे नॉट रिलीज एनी लॉक। ये ग्रोइंग फेज में केवल लॉक ऑप्टेन करने का काम करेगा, ना कि कोई भी लॉक रिलीज करेगा। ठीक है, दूसरा फेज है श्रिंकिंग फेज। ठीक है, श्रिंकिंग फेज क्या करता है, इसका जस्ट उल्टा, ए ट्रांजेक्शन में रिलीज लॉक, ये ट्रांजेक्शन लॉक को रिलीज कर सकता है बट मे नॉट ऑप्टेन एनी लॉक, किसी भी कंडीशन में दूसरा लॉक ऑप्टेन नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ के लिए रहे, फर्स्ट में क्या हुआ लॉक ऑप्टेन किया बट रिलीज नहीं होगा, सेकंड में क्या किया, सेकंड में रिलीज होगा बट ऑप्टेन नहीं होगा। तो ये थे इसके टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का बेसिक फंडा, कि इसलिए हम इसको टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। अभी देखते हैं टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी, इसको इंश्योर करता है, बट देर आर स्टिल सम ड्रॉबैक ऑफ टू पी एल, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक है। अब इसके क्या क्या ड्रॉबैक हैं हम देखते हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक इसका कैस्केडिंग रोलबैक इसमें पॉसिबल है अंडर टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, इसके अंदर टू कैस्केडिंग रोलबैक होता है। सेकेंड है डेड लॉक एंड स्टारवेशन इज पॉसिबल, इसमें डेड लॉक भी आ सकता है और स्टारवेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके ये दो डिसएडवांटेज है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल के। अब तो ये कैसे अवॉइड होंगे, इनको अवॉइड करने के लिए अब आगे देखते हैं हम, आता है अपना अगला प्रोटोकॉल स्ट्रिक्ट टू फेज प्रोटोकॉल, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। अब स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग, इसमें क्या, स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल अवॉइड कैस्केड रोलबैक को अवॉइड करता है। ये कैसे करता है, दिस प्रोटोकॉल नॉट ओनली रिक्वायर टू फेज लॉकिंग, ठीक है ओनली टू फेज लॉकिंग ही एक्वायर नहीं करता ये, बट ऑल्सो ऑल एक्सक्लूसिव लॉक शुड बी हेल्ड अंटिल द ट्रांजेक्शन कमिट और अबोर्ट।
ठीक है, ये एक्सक्लूसिव लॉक को भी हेल्ड करके रखता है जब तक कोई भी ट्रांजेक्शन है वो या तो कमिट नहीं हो जाता और या फिर अबोर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, कमिट का मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट अपडेट हो चुका, ये अपन ये सिंपल से ये कह सकते हैं कि कमिट होने के बाद ट्रांजेक्शन में चेंज हो, या फिर कमिट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा तो, या फिर वो बीच में से अबोर्ट हो जाएगा तो अबोर्ट हो जाने में भी वापस दोबारा रिस्टार्ट होगा। तो इसलिए इसमें दोनों ही चीज़ हो गई, एक तो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का खंडा भी अप्लाई हो गया और एक एक्सक्लूसिव लॉक भी हेल्ड करके रखता है जब तक ट्रांजेक्शन या तो कमिट नहीं हो जाएगा या फिर अबोर्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन ये इसमें भी डेड लॉक फ्री नहीं है, इट इज़ नॉट डेड लॉक फ्री, इसमें भी डेड लॉक आ सकता है। इट इंश्योर दैट इफ डेटा इज बींग मॉडिफाइड बाई वन ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये इंश्योर करता है कि अगर कोई भी डेटा मॉडिफाई हो रहा है भाई एक ट्रांजेक्शन के द्वारा, देन अदर ट्रांजेक्शन कैन नॉट रीड इट। ठीक है, मॉडिफाई रहे तो अदर ट्रांजेक्शन उसको रीड नहीं करेगा इट अनटिल फर्स्ट ट्रांजेक्शन कमिट, जब तक फर्स्ट ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो जाता जब तक दूसरा ट्रांजेक्शन इसको रीड नहीं कर सकता, ये स्टिक टू फेज प्रोटोकॉल इंश्योर करता है। द फर्स्ट फेज ऑफ स्टिक टू फेज प्रोटोकॉल इज सेम एज ए टू पी एल, जैसा टू पी एल प्रोटोकॉल है टू फेज प्रोटोकॉल, उसका फर्स्ट फेज और इसका फर्स्ट फेज लगभग लगभग एक जैसा ही है। आफ्टर एक्वायरिंग अ लॉक इन द फर्स्ट फेज द ट्रांजेक्शन कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट नॉर्मली, ठीक है, एक्वायर लॉक कर लिया ठीक है फर्स्ट फेज में तो ट्रांजेक्शन कंटिन्यू एग्जीक्यूट नॉर्मली होता रहता है। बट इन कॉन्ट्रास्ट इन टू पी एल, टू फेज प्रोटोकॉल के अलग इसमें क्या है, डज नॉट रिलीज ए लॉक, ठीक, कोई भी लॉक रिलीज नहीं होगा आफ्टर यूजिंग इट, इसको यूज करने के बाद। ठीक है, स्टिक टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल होल्ड ऑल द लॉक, सारे लॉक को होल्ड करके रखती है अनटिल द कमिट पॉइंट एंड रिलीज ऑल द लॉक एट ए टाइम, ठीक है, जब तक कमिट पॉइंट नहीं होता जब तक सारे लॉक को होल्ड करके रखती है, या फिर रिलीज ऑल द लॉक, या फिर जब तक सारे लॉक रिलीज नहीं होते एक साथ एट ए टाइम। ठीक है, तो ये था इसके टू फेज प्रोटोकॉल और स्टिक टू फेज प्रोटोकॉल में क्या अंतर आया। ठीक है, इसमें एडवांस क्या है स्टिक टू फेज में कंपैरिजन टू टू पी एल के, तो यही था कि इसका दोनों का फर्स्ट फेज तो दोनों का सेम है, लेकिन सेकंड इसका जो सेकंड फेज है वो ये कहता है कि जब तक वो होल्ड रखता है लॉक को अनटिल द या जब तक कमिट पॉइंट नहीं होता या फिर सारे लॉक एक साथ रिलीज नहीं हो जाते। अब हम देखते हैं एक और हमारा प्रोटोकॉल है स्टेटिक, ये इसको अपन जनरली कंजर्वेटिव के नाम से भी होता है, इसको टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल स्टेटिक या फिर कंजर्वेटिव टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। अभी हमने लास्ट में देखा था एक स्टिक प्रोटोकॉल, उसके बाद है स्टेटिक टू पी एल। दिस प्रोटोकॉल रिक्वायर द ट्रांजेक्शन टू लॉक द ऑल द आइटम, ठीक है, ट्रांजेक्शन टू लॉक सभी आइटम को लॉक करता है। इट असेस बिफोर द ट्रांजेक्शन बिगिन एग्जीक्यूशन बाई प्री डिक्लेयरिंग इट्स रीड सेट एंड राइट सेट, रीड सेट राइट सेट के पहले सारे ट्रांजेक्शन को लॉक करके रखता है। इफ एनी ऑफ द प्री डिक्लेयर आइटम नीडेड कैन नॉट बी लॉक्ड, ठीक है, नहीं हो सकता द ट्रांजेक्शन डज नॉट एंड नॉट लॉक एनी ऑफ आइटम, ठीक है, या तो सभी में लॉक होगा या फिर किसी में भी नहीं होगा। इन स्टेड इट वेट अनटिल ऑल द आइटम आर अवेलेबल फॉर लॉकिंग, ठीक है, जब तक अगर कोई भी आइटम रह गया एक लॉक होने से तो वो बाकी वेट करते रहेंगे जब तक वो लॉक नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं स्टैटिक या कंजर्वेटिव टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। कंजर्वेटिव टू पी एल इज डेड लॉक फ्री, ठीक है, ये डेड लॉक फ्री है एंड बट इट डज नॉट इंश्योर स्ट्रिक्ट शेड्यूल को, इसको इंश्योर नहीं करता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज इन प्रैक्टिस, ठीक है, इसको नॉर्मल यूज करना काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि ऑफ नीड ऑफ प्री डिक्लेयर द रीड सेट और राइट सेट विच इज़ नॉट पॉसिबल इन मेनी सिचुएशन, कई सिचुएशन में ये दोनों ही प्री डिक्लेयर पहले से ही लॉक लगाना पॉसिबल नहीं है, रीड सेट और राइट सेट वाला। कई सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ दोनों को हम एक साथ नहीं लगा सकते, सारे लॉक प्री है ना प्री डिक्लेयर से हम लॉक नहीं कर सकते वो सी कंडीशन में, तो इसलिए ये जनरली प्रैक्टिस में यूज नहीं होता। तो ये था हमारे बेसिक प्रोटोकॉल्स जो
और टू फेज प्रोटोकॉल है, इसमें देखा हमने टू फेज प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि स्टैटिक टू फेज प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके बाद है हमारा स्टैटिक टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो तीनों में हमने देखा लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जो पहले वाले के डिसएडवांटेज थे, जैसे हमने देखा पहले शेयर लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक में क्या क्या डिसएडवांटेज थे, तो उसको हमने रिमूव किया टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में, उसमें क्या डिसएडवांटेज थे, कैस्केडिंग वाली प्रॉब्लम थी, उसको हमने रिमूव किया स्टिक टू टू फेस में। और फिर उसके बाद हमने देखा कि स्टैटिक प्रोटोकॉल जो डेड लॉक फ्री है, ठीक है। तो इस प्रकार से हर लॉक अलग अलग अपने हिसाब से अच्छे हैं। तो ये था हमारा आज का टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल।